करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 30। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग फिर से ज्योमेट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा है भूमिका, दो प्रतिच्छेद रेखाएं जिनके बीच का कोण समकोण हो उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे कि दो रेखाएं जैसे आपस में एक दूसरे को काटती हैं और इनके बीच में जो ये कोण बनता है, ये हर कोण 90 90 90 90 का होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम लंब रेखाएं कहते हैं। उदाहरण, जैसे पुस्तक का एक कोना जहाँ दो रेखाएं आपस में समकोण पर हैं, यानी जहाँ पे दो रेखाएं आपस में आके कटती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, तो ये चीज़ आपके समझ में आई। आगे लिखा है, रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से लंब खींचिए। तो अब देखिए इनकी स्क्वायर, इनकी सहायता से आपको लंब खींचना है, तो कैसे खींचा जाएगा ये आपको बताते हैं। नंबर वन है आपका कि रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए, यानी जिसका नाम आपने रख दिया एल, और उस रेखा पर कहीं पे भी एक बिंदु लगाइए जो कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया है पी नाम से। दूसरा और तीसरा स्टेप ये है कि रूलर को एक रेखा और समकोण बनाने वाले सेट स्क्वायर के बिंदु पर लाइए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा चरण में क्या करना है, अब सेट स्क्वायर और रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए जिसका नाम पी और क्यू रख दीजिए, ठीक है। तो पी और क्यू जो है वो एल पर लंब है, यानी जो ये एल रेखा बनी इसके ऊपर ये जो ये रेखा बनी है पी क्यू, ये आपकी इसकी लंब रेखा कहलाएगी। हम इसमें ये कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो एल है, ठीक है, एल की लंब रेखा। तो ये लंब रेखा का साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका लंब रेखा बन गया। अब आगे लिखा है रूलर और प्रकार की सहायता से लंब रेखा खींचना। कि अब हम रूलर और प्रकार की सहायता से कैसे खींच सकते हैं, स्केल और प्रकार की मदद से कैसे खींचते हैं। तो सेम पहले की तरह आपको क्या करना है, रूलर की सहायता से एक सीधी रेखा खींचनी है जिसका नाम एल रखना है, और उसके बीच में एक पॉइंट दर्शाना है जिसका नाम आपको पी रखना है, ठीक है। कर दिया आपने यह काम। उसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रकार के अंदर पेंसिल को रखना है और पी पॉइंट को मेन पॉइंट मानकर आपको यहाँ पे प्रकार रखना है और उससे एक आधा गोला अर्धवर्क बनाना है। यहाँ से आप रखेंगे तो ऐसे करके जब प्रकार को घुमाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा आधा गोला, ठीक है। जैसे ही आपका आधा गोला बन जाता है तो दूसरा आपका पॉइंट ये है कि ए और बी को केंद्र मानकर दो चापों की रचना इस प्रकार कीजिए कि क्यू कट जाए। अब आपको जैसे ही ये बराबर आ गया, अब आपको क्या काम करना है कि इनका नाम रख देना है ए और बी, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ से ए और बी से एक एक पॉइंट रखना है और ऊपर इस जगह पे ऐसे करके काटी लगानी है, ठीक है। प्रकार से एक बार यहाँ रख के लगाएंगे, एक बार यहाँ, प्रकार को एक बराबर का खोलेंगे, बड़ा छोटा नहीं करेंगे, थोड़ा सा लंबा खोलेंगे प्रकार, ठीक है। और जैसे ही आप ये काटी लगा लेते हैं, फिर तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इसको स्केल यानी रूलर की सहायता से आपको इन लकीरों को मिला देना है ऐसे सेंटर में, ठीक है, पी से। तो ये आपकी बिल्कुल सीधी रेखा बन जाएगी, ये आपकी लंब रेखा हो जाएगी। तब तो आगे लिखा है आओ करें। तो इसी तरह से आपसे कहा गया है, पहला प्रश्न के 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए, यानी अब आपको सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लकीर खींचनी है और उस पर कोई बिंदु अंकित करना है एम। तो हमने यहाँ पर उसका बिंदु मान लिया एम। अब उन्होंने बोला M से होकर A और B पर एक लंब रूलर और इसके प्रकार के द्वारा आपको बनाना है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे पॉइंट पे रख के प्रकार से ऐसे करके ये बनाना है, इसका नाम A दे देंगे, इसका नाम B दे देंगे, उसके बाद यहाँ से प्रकार रखेंगे, इधर आर्क लगाएंगे, यहाँ से प्रकार रखेंगे, इधर आर्क लगाएंगे। जैसे ही ये आर्क आपकी लग जाएगी, इसको स्केल से सीधा मिला देंगे, तो इस तरह से ये आपका लंब बन जाएगा। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये रेखा आपको जो है ये 6 सेंटीमीटर की इसमें लेनी है, क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, 1 8 सेंटीमीटर रेखाखंड कीजिए और इस पर कोई बिंदु एस अंकित कीजिए। सिंपल, आपने 8 सेंटीमीटर की लकीर खींची और एक बिंदु एस मान लिया। अब ये बोलते हैं एस से होकर सी डी पर एक लंब रूलर और सेट स्क्वायर से आपको बनाना है।
तो सिंपल है, आप सेट स्क्वायर को इस तरफ रखेंगे और यहाँ से सीधी लकीर खींच लेंगे, ठीक है। तो ये रेखा तो आपकी ऐस हो गई, इससे आपने सी और डी एक स्क्वायर बना लिया, कर लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आपका पहला उदाहरण दिया गया था, आपको पहले उदाहरण की तरह इसको करना है। चले तो आज की वीडियो को यह फिनिश करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।